फिल्म कलाकारों की यही बदनसीबी होती है कि उन्हें असली पहचान तब तक नहीं मिलती जब उन्होंने अपना सबसे अच्छा परिणाम दिया होता है। समय गुजरता है, फासले बनते हैं, फिल्म गलियारों में कहीं दूर उनकी यादें छुपी होती हैं, तब जाकर उनकी असली पहचान सामने आती है। पर कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। कुछ कलाकारों की जिंदगी भी इस मुहावरे से जुड़ी हुई है। अब देखिए ना, स्क्रीन पर जिस एक्टर की फोटो आपको दिख रही है, उसे आपने खूब सारी फिल्मों में देखा है, उनके अभिनय की तारीफ भी की होगी, पर क्या उनके जीवनी से आप लोग रूबरू हुए? नहीं ना। इसलिए ऐसे कलाकारों की कहानी हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी में मिल जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी यानी ऋषिता की आवाज। आज हम कहानी सुनाएंगे अभिनेता राजेंद्र नाथ जुत्शी की। 4 फरवरी 1961 को जन्मे राजेंद्र नाथ जुत्शी उर्फ राज जुत्शी का नाता कश्मीरी परिवार से था, पर उनका जन्म दिल्ली में हुआ था। इंटरनेट पर उनका जन्म स्थल कश्मीर है, जो गलत जानकारी है। उनके परिवार के पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ हुए आंदोलन में हिस्सा लिया था। उनके खानदान से जुड़ी लाडो रानी जुत्शी भी एक क्रांतिकारी महिला थी। राज जुत्शी के पिता का नाम नरेंद्र नाथ है, तो वहीं माता जी का नाम अनुराधा है। राज के जन्म से पहले ही वो सभी लोग दिल्ली में बस गए, और यहीं से राज के दादाजी दीनानाथ जुत्शी ने रेडियो में काम करना शुरू किया। दीनानाथ जुत्शी को आपने बलराज साहनी की फिल्म गरम हवा में देखा होगा। इस फिल्म में उन्होंने बलराज साहनी के बड़े भाई की भूमिका निभाई थी। ऐसे चरित्रवान और साहित्य से जुड़े परिवार में राज जुत्शी का जन्म हुआ था। उनकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई दिल्ली में ही हुई। स्कूल के दिनों में उन्हें एक्टिंग में रुचि थी, और कॉलेज के दिनों में उन्होंने अलग अलग नाटकों में हिस्सा भी लिया था। स्टेज से जुड़े कलाकार बाकी लोगों से एकदम आगे रहते हैं, पर राज जुत्शी को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर ज्यादा मिला नहीं। हालांकि 90 के जमाने में मुंबई आने के बाद उन्होंने बेहद खूबसूरत फिल्मों में उम्दा अभिनय किया था। आशुतोष ग्वारीकर की लगान फिल्म में इस्माइल की भूमिका यादगार रही। वहीं आमिर खान की कयामत से कयामत तक में उन्होंने आमिर खान के दोस्तों की भूमिका निभाई थी। उन्होंने फिल्मों में ज्यादा सफलता देखी नहीं, पर दूरदर्शन में उन्होंने कुछ सीरियल्स में काम किया था, जिसके चलते आज भी उनका चेहरा लोगों को याद है। गृहलक्ष्मी का जिन नामक सीरियल 1994 में आया था, इसमें इन्होंने जिन की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा शिकस्त, युगांतर, मृत्युंजय, नजराना, गुब्बारे, दिल लगी जैसे पुराने सीरियल्स में काम करके इन्होंने अपनी पहचान खोने नहीं दी। पर आगे चलकर प्राइवेट चैनलों के आने के बाद दूरदर्शन कमजोर हुआ, और राज जुत्शी जैसे कलाकारों की पहचान मिटने लगी। आपको उनकी कौन सी फिल्में पसंद है, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उनका फिल्मी सफर कैसे शुरू हुआ, इस पर एक किस्सा बताना चाहूंगी। उन दिनों राज दिल्ली में रेडियो के लिए काम करते थे। किसी काम के सिलसिले में उनका मुंबई आना हुआ। मुंबई के एक दोस्त ने उन्हें बताया कि मशहूर फिल्मकार केतन मेहरा एक फिल्म बना रहे हैं और उन्हें नए कलाकारों की जरूरत है। ये सुन के वे केतन मेहरा के ऑफिस पहुंचे। उनके आने से पहले एक लड़का पहले से आकर बैठा था। उस लड़के को राज ने पूछा, मैं केतन मेहरा से मिलना चाहता हूँ, वो मेरा ऑडिशन लेने वाले हैं। उस लड़के ने जवाब दिया, वो तो मेरा ऑडिशन लेने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो लड़का कोई और नहीं, खुद आमिर खान थे। इसके बाद केतन मेहरा ने इन दोनों को सिलेक्ट किया। केतन मेहरा वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने मशहूर सीरियल मिस्टर योगी बनाई थी। इस सीरियल के मशहूर कलाकार मोहन गोखले पर हमने वीडियो बनाई थी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंत में दिखने वाले कार्ड्स में मिल जाएगी। मिस्टर योगी को ही फिल्म का रूप देकर आशुतोष ग्वारीकर ने व्हाट्स योर राशि फिल्म बनाई थी। राज जुत्शी का वैवाहिक जीवन बड़ा अटपटा सा है, क्योंकि वे मशहूर अभिनेता इमरान खान के सौतेले पिता भी हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, पर राज जुत्शी इमरान खान के सौतेले पिता हैं।
दरअसल कयामत से कयामत तक की शूटिंग के दौरान राज की पहचान नुजहत खान से हुई, जो महान फिल्मकार नासिर हुसैन की बेटी थी। नासिर हुसैन के भाई ताहिर हुसैन भी अभिनेता थे। ताहिर हुसैन के बेटे आमिर खान हैं। इस रिश्ते से नुजहत खान उनकी चचेरी बहन है। दरअसल इमरान खान के जन्म के कुछ महीने बाद नुजहत खान अपने पति अनिल पाल से अलग हो गई और मुंबई आकर बस गई। तब तक वे लोग अमेरिका में ही थे, इस वजह से इमरान खान जन्म से अमेरिकन है। दूसरी तरह खुद इमरान खान भी राज जुच्ची को ही अपने पिता के रूप में देखते आ रहे थे, पर दुर्भाग्य से 2005 के साल में राज जुच्ची ने भी नुजहत खान को छोड़ दिया। आजकल वे अकेले रहते हैं और 16 साल एक साथ रहने के बावजूद उन्हें कोई संतान नसीब नहीं हुई, पर कहा जाता है कि तलाक के बाद भी उनके रिश्ते बरकरार हैं।